हेलो दोस्तों, नीरू के चैनल नीरू के साथ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाना चाह रही हूँ जो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, स्पेशली जो लोग शहरों में रहते हैं। मैं तो गांव में पैदा भी थी, गांव में बड़ी हुई हूँ, सो मुझे तो पता है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कुछ। चावल तो आप खाते ही होंगे, ठीक है? बहुत तरह तरह के चावल होते हैं, लेकिन आपको पता है कि चावल कैसे होती है, चावल की खेती कैसे होती है? उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि आप खेत तैयार करके धान सीधे बो दो और बड़ा होने पे काट लो। कुछ ऐसे होते हैं कि आपको पहले उन्हें बोते हो, ठीक है? फिर जब वो ठीक ठाक साइज़ के हो जाते हैं तो आप उन्हें उखाड़ते हो और फिर उन्हें ट्रांसफ़र करके दूसरे खेत में लगाते हो। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन फार्मिंग। तो चलिए देखते हैं ट्रांसप्लांटेशन फार्मिंग कैसे होती है मेरे गांव में। और मेरे गांव का नाम है नारायणपुर, और ये नारायणपुर जशपुर यानी छत्तीसगढ़ में है, बस्तर में नहीं है। यहाँ पर नक्सलवादी बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल सेफ है, अच्छा सा गांव है, ठीक है? आगे चलिए देखते हैं। ये देखिए जो धान है, ये जो आप देख रहे हैं, इसे खेत में लगाया गया है, काफ़ी घना लगाया गया है, ठीक है? और ये अब एडिक्वेट साइज़ के बड़े हो गए हैं, तो इन्हें ट्रांसफ़र करके लगाया जाएगा प्रॉपरली। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, अब इन्हें उखाड़ा जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये उखड़े हुए धान, और इनको ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद खेत को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि खेत प्रिपेयर है, पानी बहुत सारा चाहिए होता है, या तो हल या ट्रैक्टर की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर ये जो धान जो हमने यहाँ उखाड़ा है, इसे वहाँ लगाएंगे। तो इसे लगाया कैसे जाता है, आप इसे ले जाइए और खेत में इसे वापस से लगा दिया जाता है, लेकिन प्रॉपर डिस्टेंस में। ये देखिए, आप इसे बहुत पास लगाएंगे तो ग्रो नहीं करेंगे, इसे एक प्रॉपर डिस्टेंस पे इसे लगा दिया जाता है। ये देखिए खेत तो ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया गया है। इसे गांव में रोपा भी बोलते हैं, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसके लिए, और ये वन ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग है जो किसान यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है इसके लिए डेफिनेटली, क्योंकि आप एक बार धान बोते हो, फिर उखाड़ते हो, फिर नेक्स्ट टाइम फिर और बोते हो, और फिर बाद में फिर उन्हें पानी भी देना है, कीड़ों से बचाना है, घास उखाड़ना है, फिर जब हो जाएंगे तो काटना है, फिर उनको धान भी निकालना है, तब जाके बनता है राइस। तो बहुत लंबा प्रोसेस है ये। तो दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया कि ट्रांसप्लांटेशन फार्मिंग कैसे होती है सिर्फ 2 मिनट में, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। असेसमेंट करना होता है मिट्टी का, पानी का, धान का, कब लगाना है, कब उसे ट्रांसफ़र करना है, एंड आफ्टर केयर, बहुत मेहनत का काम होता है। हमारे किसान बहुत ही मेहनती हैं, उनकी वजह से ही अच्छा सा राइस खाते हैं। तो वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर फार्मर्स, और जहाँ भी हो सके, जैसे भी हो सके यार, उनकी हेल्प करनी चाहिए। स्पेशली वो जो सब्ज़ी मार्केट में, प्लीज़ हाँ, सब्जी वालों से प्लीज़ बार्गेनिंग मत किया करो यार, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप कभी देखोगे तो आपको लगेगा, तो प्लीज़ उनसे बार्गेनिंग मत किया करो। बेचारों को मिलता ही कितना, एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं ना उनके साथ, कि जो वो डिज़र्व करते हैं वो तो दे सकते हैं, इससे ज़्यादा तो शायद हम कर भी ना पाए यहाँ बैठे बैठे। खैर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और फिलहाल तो मैं अपने गाँव में हूँ और अपने गाँव की चीज़ें इन्जॉय कर रही हूँ। आपको कभी मौका मिले आसपास तो आप ही देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, और सब कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं।
बस बहुत हो गया। चलिए फिर कभी मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगी, ठीक है? मेरा गांव बहुत ही खूबसूरत है।